हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और घर पे सही सलामत होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक हेयर पैक, जो कि मैं बनाने वाली हूँ पालक के साथ। हाँ जी, ये खाने वाला पालक ही है और इसके साथ मैंने और एक हेयर पैक बना के आपको दिखाया था, जो कि आप में से बहुत किसी ने पसंद किया है, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो पालक के कुछ गुण उस वीडियो में भी बता दिया था, इस वीडियो पे शॉर्ट पे बता रही हूँ। पालक को बालों के लिए एक्चुअली सुपर फूड माना जाता है। इसमें है विटामिन ए और विटामिन सी, और इसके साथ इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे आयरन और फोलेट है, जो कि हमारे हेयर हेल्थ तथा हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यही है हमारा की इंग्रेडिएंट, वो है पालक। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बनाना। बनाना के साथ मैंने बहुत सारे रेमेडी आपके साथ शेयर किया है। एक्चुअली जो लास्ट पालक वाली वीडियो था वो थोड़ा बहुत इससे मैच करता है, लेकिन इस पर मैंने थोड़ा सा और एडिशन कुछ किया है। तो बनाना एक्चुअली हमारे जिनको भी ड्राई हेयर है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत मॉइस्चराइजिंग है, तो मैंने ऑलिव ऑयल को डाला है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कर्ड। जिनको भी स्कैल्प इशू है उनके लिए तो कर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे वीडियो पे ही इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिया है। कर्ड अगर आपका बहुत ज़्यादा डल हेयर है और डैमेज हेयर है, तो जस्ट कर्ड भी अगर आप लगाओगे तो आपके बाल खिल उठेंगे जस्ट लाइक फ्लावर। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट है यही है एक स्पेशल इंग्रेडिएंट इस वीडियो के लिए, तो वो है एग, मतलब अंडा। अंडा का मैं फुल पोर्शन को यूज़ नहीं करूँगी, मैं एग येल्लो को यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बस वाइट पार्ट को ही यूज़ करती हूँ हेयर पैक पे। मैंने एग के साथ भी एक्चुअली बहुत सारा रेमेडी आपको बताया। एग को ड्राई हेयर का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है, और क्योंकि अंडे में है प्रोटीन और बायोटीन, तो ये हमारे बाल को नरिशमेंट देता है और लक्षण देता है। तो बहुत सारे गुण आपको बता दिया है। अब चलो इस इको फ्रेंडली हेयर पैक को बनाते हैं। इको फ्रेंडली इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्राइट एक ग्रीन कलर का होता है, और इसमें कोई भी बाहर से लाए वाला चीज़ नहीं है, आपके किचन में ही मिल जाएगा हर चीज़। मैं हर वक्त मेरे बालों को ऐसे सारे किचन इंग्रेडिएंट से ही ट्रीट करती हूँ, और यकीन मानो मेरे बालों को ज़्यादा DIY चीज़ें ही पसंद है। तो पहले मैंने पत्तों को बहुत अच्छे से धो लिया, क्योंकि पत्ती में बहुत ज़्यादा कभी कभी डस्ट हो जाता है, तो इसीलिए अच्छे से धोने के बाद मैंने उसको पहले मिक्सर पे एक बार चला लिया, और उसके बाद मैंने एक पिलपिला केला लिया और उसके अंदर का जो पार्ट है वो मैंने उस पर दे दिया। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें ऐसा वाला केला नहीं मिलता है, तो उनको मैं एक टिप्स दूँ, आप लोग दुकान पर जाके बोलना भैया जो केला आप गाय को खिलाते हो वो केला मुझे दे दो। मैं ऐसी करती हूँ, और कुछ केला मैं गाय को खिलाकर कुछ अपने बालों के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैंने उस पर डाल दिया ऑलिव ऑयल और मैंने एग वाइट डाल दिया। एग वाइट डालने का तरीका मैंने बहुत सारे वीडियो पे आपको बोला है, थोड़ा सा टिल्ट करना एंड देन उसके बाद आप एग वाइट को डाल देना। उसके बाद मैंने लास्ट इंग्रेडिएंट डाला, वो है दही। दही मैंने जस्ट एक चम्मच ही डाला, आप चाहो तो और थोड़ा डाल सकते हो। बहुत सारे लोग दही यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग टोटली स्किप कर सकते हो दही। उसके बाद मैंने मिक्सर पे उसको चला लिया एंड देन बन गया मेरा इको फ्रेंडली ग्रीन, सुपर ग्रीन एक्चुअली हेयर पैक। तो अब और एक जुगाड़ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत सारे बॉटल आपको अमेजन में मिलते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू द साइज़, है ना। तो इसके लिए मैंने एक केचप का बॉटल ले लिया है, जो कि आसानी से आपको 20-30 रुपए में मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने डाल दिया है बस मेरा बना बनाया पैक, और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी। एक्चुअली इससे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर ये भी आपके पास नहीं है, आप एक प्लास्टिक का एक बॉटल ले लेना, बिस्लेरी का, या फिर कोई भी वाटर बॉटल ले लेना, मतलब जो कि वेस्ट है उसके ऊपर में आप एक छेद करना एंड देन बन जाएगा। ये मुझे एक्चुअली बहुत दिन से चाहिए था ऐसा कुछ एक बॉटल, मैंने ये वाला जुगाड़ आइडिया निकाल दिया। तो देखो एक्चुअली इसका कलर कुछ ऐसा दिखता है। मैंने अलग से क्यों रखा, क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी था इसका कलर, और उसके साथ मुझे एंड्स पे जब लगाऊंगी तब ऐसा कटोरी में होने से इजी होता है लगाने के लिए। तो चलो अब इसका डेमो देख लेते हैं। हाय गाइस, कैसे आप लोग सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हेयर पैक बताने वाली हूँ, जो मैं बनाने वाली हूँ पालक और केले के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना है, पालक। पालक हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। मैंने ऑलरेडी वो पैक बना लिया है, ये है वो पैक, और इसमें भी है। मैंने इस पे क्यों डाला है, क्योंकि इजी होता है एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि मैं स्कैल्प पे भी होममेड जो पैक है ये लगाती हूँ, तो इसीलिए बहुत इजी होता है। इसको मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि मुझे आपको ऐसे बताना था इस कारण। तो ठीक है, चलो इसे लगा लेते हैं। आप कोई भी बॉटल पे डालकर यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि छोटा सा उसका मुंह होगा। देखो आप, इसका मुंह इतना छोटा है,
और ये एक्चुअली क्या है आपको पता ही होगा, ये कोई भी चाइनीज के काढ़े पे मिलता है, स्पेशली महाराष्ट्र में जो सब भी चाइनीज के काढ़ा है ना उसमें सॉस ऐसी बॉटल पे देते हैं, मतलब केचप। तो ठीक है चलो इसको लगाते हैं। तो पहले मैं स्कैल्प पे लगा रही हूँ, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है यार। आपको मुझे कमेंट करके बताना ही बताना पड़ेगा कि ये वाला जो मैंने आपको जुगाड़ वाला बता दिया है ना स्कैल्प ट्रीटमेंट के लिए एक बॉटल, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना। मुझे सच्ची मुझे खुद पे प्राउड हो रहा है। मैं बहुत दिन से एक्चुअली सोच रही थी, जब भी मैं अमेजन पे देखती थी कि ऐसे सारे बॉटल, मतलब वो जो एप्लीकेटर बॉटल, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था, इतने छोटे बॉटल बस 230 रुपये में और ये मुझे बस पड़ा है 25 रुपये का। आपको समझ ही आ गया होगा मैं कौन से बॉटल के बारे में बोल रही हूँ। तो मैंने इस बॉटल पे ये जो कंडीशनर है ये डाल दिया है और अब मैं इसको लगा रही हूँ। ये एक जुगाड़ है। मैं मोस्ट ऑफ द होम रेमेडीज़ को मैं स्कैल्प पे लगाती हूँ क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो सारे मैंने इस पे डाले हैं, अंडा डाला है, मतलब एग वाइट डाला है, पालक डाला है, केले डाले हैं, ऑलिव ऑयल डाला है, ये सारे हमारे स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और स्कैल्प हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। जैसे हमारा अगर इंटरनल ऑर्गन अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा, मतलब ओवरऑल बॉडी अच्छा होगा, सेम वैसे ये स्कैल्प अगर अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा, मतलब बाल अच्छे होंगे। तो मैं पहले स्कैल्प पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं लेंथ पे लगाऊंगी और मैं स्कैल्प पे लगाने के बाद मैं मसाज देती हूँ। ये मैंने बहुत सारे मेरे होम रेमेडीज हेयर पैक में बताया है आपको, आप चाहो तो मेरे दूसरे कोई वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने एप्लीकेशन बहुत डिटेल में समझाया है, क्योंकि आप सबको बड़ी वीडियो पसंद नहीं है इसीलिए मैंने इस पर नहीं इंक्लूड किया वो। तो ये वाला पैक लगाने के पहले मैंने मेरे बालों को क्लीन किया था विद मूंग दाल शैम्पू, आप चाहो तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, होममेड शैम्पू है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है बाल, तो प्लीज़ वो वीडियो चेक करना। तो हमें जो एंड्स है ना इस पर भी बहुत ध्यान देना होता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो स्कैल्प और पूरे बालों के हर एक पार्ट पे लगाने के बाद मैंने थोड़ा डिटैंगल भी किया क्योंकि इस पे मैंने डाला है बनाना, तो थोड़ा अच्छा खासा स्लिप हो जाता है। और उसके बाद मैंने मेरे बालों को बन बना लिया। मेरे पूरे बालों पे जो डीप कंडीशनर मैंने बनाया था विद बनाना एंड पालक ये मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे अप्रॉक्स 30 मिनट रखूंगी, आप चाहो तो आप हीट दे सकते हो, हीट देने से एक तो रिलैक्सेशन मिलता है और उसके साथ बालों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आज नहीं दूंगी, क्यों नहीं दूंगी इसका कोई रीज़न नहीं है सच बोलूँ तो, मुझे कभी कभी मन नहीं करता है कुछ करने का और मन नहीं करने से मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर में एक शावर कैप पहन लो, अगर शावर कैप नहीं है तो एक पॉली बैग को रैप कर लो, अगर पॉली बैग में नहीं है तो डस्टबिन बिन होगा ना वो भी आप रैप कर सकते हो, और उसके ऊपर आप एक टी शर्ट को, मतलब अगर हीट कैप नहीं है तो एक टी शर्ट को गर्म पानी में डुबा दो, उसको पानी को निकाल दो और रख दो, बहुत अच्छा फील होता है सच्ची। तो मैं इसे करीबन 30 मिनट रखूंगी और उसके बाद मैं हेयर वॉश करूंगी। टेंटनान आ गई हूँ रिजल्ट के साथ। तो ये एक्चुअली आपको याद होगा कुछ दिन पहले, मतलब मेरा जो लास्ट हेयर केयर वीडियो था जिसमें मैंने हिबिस्कस रिंस लिया था उसी रूटीन में ये वाला डीप कंडीशनर मैंने लगाया था और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। और पता है जेल में मैंने क्या लगाया था, जेल में मैंने हिबिस्कस फ्लैक्सीड जेल लगाया था। जी हाँ आपने सही सुना है, उसके अंदर और एक चटका था जो मैं आपको कुछ दिन में शेयर करूंगी और मुझे ऐसा लगता है आप सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप भी वो यूज़ करते हो। तो अभी ये नहीं बताऊंगी उस वीडियो के बारे में क्योंकि अगर अभी बता दूंगी तो आप लोग नहीं देखोगे दूसरे वाले वीडियो। तो इस रूटीन में मैंने कोई भी बाजार से लाया वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, सारे होममेड थे और कुछ रिज़ल्ट आया था ऐसा। तो देखो कुछ फूल और पत्ते और कुछ पाउडर जो कि घर पे मिलते हैं, बेसन दही वगैरह ये तो घर पे मिल जाते हैं ना, अगर यूज़ करके आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आप लोग क्यों घबराते हो। थोड़ा सा बस पेशेंस ही रखना है, होम रेमेडीज़ के साथ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बाज़ार का प्रोडक्ट यूज़ ना करो, ज़रूर यूज़ करो, क्यों नहीं यूज़ करोगे, लेकिन एक बार आप होममेड भी यूज़ करके देख सकते हो अगर आपको ट्रायल करना है। तो ठीक है इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट। बाय बाय, मैं लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।